हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे ऐसा 100% भरोसा है कि आपको शेपर्स एडुकेशन की चैनल बड़ी काम आ रही है, क्योंकि हम लोग इसमें मोस्टली हर चीज डाल रहे हैं, राइट? वी आर क्रिएटिंग एवरी पर्टिकुलर स्टफ विच वी कैन, राइट? और आई एम वेरी वेरी श्योर आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। सो यस, मोस्ट वेलकम अगेन। हमने हमारे लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में देखा था अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर लीनियर कोरिलेशन, जिसका हमने पहला मेथड किया था स्कैटर डायग्राम मेथड। आपका बाकी है तो पहले वहां से यहाँ आना, डायरेक्टली यहाँ मत आना, सब लाइन में चलना चाहिए परफेक्टली, राइट? अब हम स्टार्ट करने वाले आज का सेकेंड टॉपिक, राइट? सेकेंड मेथड। ये सेकेंड मेथड है जिसका नाम है कार्ल पियर्सन मेथड, जिसे हम लोग प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी कहा करते हैं। अब आप पूछोगे, सर ये क्या होता है? सर पहली सिंपल सी बात है, कार्ल पियर्सन मेथड इज अ पर्टिकुलर मेथड व्हिच वाज डिराइव्ड बाय सर कार्ल पियर्सन, राइट? उन्होंने ये मेथड जब डिराइव किया था, उन्होंने सच में ये मेथड का पहला पार्ट ही बनाया था। बाकी तो ऑटोमेटिकली निकल गए एक के अंदर एक से, खाली पहला मेथड डिराइव किया गया था, बाकी तो वैल्यूज पुट करके आप खुद ही बना लोगे चार मेथड, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? बट पहले मेथड बनाने में देयर वर मेनी ट्रायल्स एंड एरर्स, एंड आफ्टर दैट ही क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल मेथड, जिससे हम लोग ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगला रिलेशन, अगली स्टेप कहां जाएगी। हम दो पर्टिकुलर चीजों के रिलेशन को इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबल हुआ जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन। इस मेथड को प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी कहा जाएगा। अब बात करते हैं, आपके बुक्स में इस पर्टिकुलर मेथड के चार फॉर्मूले दिए हैं, राइट? सर चारों के चारों फॉर्मूले एक ही है, राइट? चार अलग नहीं है, चारों एक ही है, बट यस, एग्जाम में इनको अलग अलग नाम देंगे, एग्जाम में इनको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा, राइट? हाथी के दांत भैया दिखाने के और खाने के और है, वो वाली बात है। मैं आपको बता तो दूंगा चारों मेथड एक ही है, बट आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा भैया इससे करो, तो आपको वही यूज करना है, राइट? यू कांट चेंज इट, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एग्जैक्टली वही चाहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चारों मेथड से। सबसे पहले मेथड से मैं स्टार्ट करूंगा। आ रहे आप लोग स्क्रीन पे, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, राइट? खाली ऑडियो सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू फोकस ओवर हियर। सब लोग यहां देखते रहेंगे कंटिन्यूअसली, मेरी शक्ल पे भी कुछ लिखा नहीं है, कम ऑन, फोकस ऑन द बोर्ड राइट नाउ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड से। हमारा सबसे पहला मेथड रहेगा कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट का, जहां पे आर डिनोट करता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, पहला मेथड हमारा है दैट इज कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, राइट? पहले ऊपर आ जाएगा कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, नीचे आ जाएगा एस एक्स जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कहा जाता है, एस वाई जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कहा जाएगा। अब अगर आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है, भैया परोस के तुम्हें दे दिया है, तो टेंशन खत्म। पर अगर बाई चांस नहीं दिया हो, तो आपको कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई को निकालना पड़ेगा, आपको कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई को ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे? बड़ा ही सिंपल रहेगा, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। आपको एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, आपको वाई माइनस वाई बार निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उस कॉलम का सिग्मा करना है, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये करने से आपको क्या मिलेगा? कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई आपको मिल जाएगा। बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है। अगर आपको अभी तक वो नहीं आता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, सर इलेवेंथ में वापस से ट्वेल्थ में नहीं चलोगे, राइट? बट फिर भी फॉर्मूला में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालने के वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हम एक फॉर्मूले से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस सॉरी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन का रूट, राइट? ये रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना हो तो खाली एक्स की जगह पे वाई कर दो, दैट इज सिग्मा वाई माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होल अपॉन एन का रूट कर दो। इतना सा आपका काम रहेगा, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन का होल रूट कर दो, आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इस तरह से हमने फॉर्मूलेस डिफाइन कर दिए। ये मेरा पहला फॉर्मूला, द सिंपल द बेसिक वन कोवेरियंस का, राइट? अब इस फॉर्मूले से बाकी सब फॉर्मूले डिराइव होंगे। मतलब अगर आपने कोवेरियंस में इसकी वैल्यू पुट कर दी, स्टैंडर्ड डेविएशन में इसकी वैल्यू पुट कर दी, ऊपर वाले में y में इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो आपका नीचे वाला फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, दैट इज r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर एंड रूट ऑफ सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर। ये कुछ नया नहीं है, ऊपर वाले इक्वेशंस में खाली वैल्यूज पुट कर दो, ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना, वो मैं डिफाइन करूंगा, पहले सुनते जाओ, ठीक है? सो ये बेसिक नीचे वाला फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूला का ही डेरिवेशन है, कुछ भी नया नहीं है। अब आपको खुद को पता चल रहा है ये फॉर्मूले का पूरा एसेंस आ रहा है x बार और y बार पे। तो अगर आपके क्वेश्चन में आपको x बार एंड y बार एक परफेक्ट इंटीजर है, एक परफेक्ट नंबर है जहां पे बिल्कुल भी पॉइंट वगैरह नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है।
अगर बाई चांस उसके अंदर पॉइंट में आ रहा है आपका एक्स बार लाइक 56.65 और 69.71, तो डोंट यूज दिस फॉर्मूला। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर 100% करेक्ट आएंगे, बट आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा एंड दैट वुड कंज्यूम लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। गुजरात बोर्ड वाले तो फिर भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जिनके स्कूल्स में अलाउड है, बट सीबीएसई पीपल यू कांट यूज कैलकुलेटर्स। तो आपको तो ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि अगर एक्स बार और वाई बार पॉइंट में आ रहा हो तो ये मेथड मत करो, दिस इज नॉट अ राइट मेथड टू डू, राइट। कभी कभार क्या होता है, कुछ स्कूल वाले इसी फॉर्मूले को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला सेम है सर मैंने कहा था, खाली प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। मतलब वो क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार को बोलेंगे भैया ये है x, और y माइनस वाई बार हो जाता है इनके लिए y। तो जहां जहां x माइनस एक्स बार है वहां वो लोग लिखने वाले हैं x, और जहां y माइनस वाई बार है वहां वो लोग लिखने वाले हैं y। फॉर्मूला सेम है, खाली लिखने का तरीका अलग है, डजंट मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, आंसर्स सेम ही रहने, बेसिक एकदम, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड फॉर्मूला, इसे डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हो, डजंट मैटर्स मच, राइट। वैसे सब डायरेक्ट ही होंगे, खाली लास्ट वाले को छोड़ के। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, दैट इज आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अगेन रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सेम टू सेम फॉर्मूले रहेंगे, कुछ नया नहीं, ऊपर वाले का एक्सटेंशन आ जाएगा नीचे, बस ध्यान क्या रखना है, ये दोनों फॉर्मूले जो नीचे है वो कंफ्यूज करने वाले हैं। ऊपर वाले में एक्स वाई यूज किया गया, नीचे वाले में यूवी, सेम है। R is equal to n sigma uv minus sigma u into sigma v whole upon root of n sigma square sigma u square minus sigma u का whole square again root n sigma v square minus sigma v का whole square। दोनों के दोनों सेम है, डिफरेंस ऊपर में x है नीचे में u है, ऊपर में y है नीचे में v है। अब आप सोचोगे सर ये क्या होता है, सबर रखो, एंड तक तुम्हें सब समझ में आएगा, गारंटेड 100% एकदम 100%, राइट। चलिए इन दोनों फॉर्मूले में हमने सिमिलरिटी देख ली कि भैया पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है, x की जगह पे u, y की जगह पे v, इन्हें यूज कब करना है वो समझते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके x और y बहुत ही छोटे नंबर्स हो जिनका स्क्वायर करना बहुत इजी हो, जिसको आप बहुत इजीली स्क्वायर कर सकते हो। 11 का स्क्वायर 121, इजी डन। 9 का स्क्वायर 81, डन, राइट। मतलब ऐसे कोई भी नंबर जिसका आप इजीली स्क्वायर कर सकते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जिसका स्क्वायरिंग करना इजी हो। अगर बाई चांस स्क्वायरिंग करना इजी नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए। एंड जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब आपके नंबर्स बहुत बड़े हो या फिर इंटीजर्स में x बार y बार आ रहा हो, तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। मतलब ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जहां पे 1, 2 और 3 फॉर्मूला कोई भी काम नहीं आ रहा है तो आप बाई डिफॉल्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पहला तो ये, दूसरा ये कब यूज करोगे, जब आपके ऑब्जर्वेशन में से कुछ कॉमन डिफरेंसेस है। कॉमन डिफरेंसेस है मतलब या तो पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन में सबके सब नंबर्स 10 की टेबल में जा रहे हैं, 5 की टेबल में जा रहे हैं, या सब नंबर्स के पीछे डबल डबल जीरो लगे हुए हैं, मतलब 100 में जा रहे हैं। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्स या वाई में एक पूरा टेबल, एक पूरा पर्टिकुलर जो सीरीज है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से इजीली डिविजिबल है, तो आप ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इससे आपका कैलकुलेशन अगेन शॉर्ट हो जाएगा। वापस से ध्यान देना, कोई भी मेथड करो आंसर्स हमेशा सेम रहेंगे, मेथड से आंसर पे चेंजेस नहीं आते। बच्चे बड़ी बहुत बार मेरे पास आते हैं कि सर इधर एक्स वाई वाला हमको यूज करना था, हमने एक्स माइनस एक्स बार वाला कर दिया, हमारा आंसर अलग आ गया। नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं पॉसिबल है, आपने कैलकुलेशन एरर किया होगा। बाकी कोई भी मेथड करो आंसर सेम आएगा। यस, 0.05 तक की मिस्टेक हो सकती है, दैट इज डन, वो अलाउड है, राइट। 0.05 तक की मिस्टेक अलाउड है, उससे ज्यादा की मिस्टेक होगी मतलब तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस एरर की है। चलिए अब मैंने अभी आपको कुछ मेथड्स बताए, हम तीनों मेथड के एक एक सम कर लेते हैं, आपको मदद होगी उसके लिए, राइट। ट्राई करते हैं एक एक सम एटलीस्ट सॉल्व करने की, कि मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल प्रूफ हो सकूं कि भैया यस कुछ तो सर काम आए हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग अब एक सम करेंगे, मेथड्स देखते हैं कौन सा यूज करना है, वो सम पे डिपेंड करेगा। चलिए पहले ऑब्जर्व करने का क्वेश्चन को, कि कौन सा मेथड अच्छा है। हमें क्वेश्चन में दे रखे गुजराती के मार्क्स, हमें दे रखे स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स। नंबर्स पे ध्यान दो, क्या ये नंबर इजीली स्क्वायर हो सकते हैं। 65 का स्क्वायर मुझे नहीं आता, 72 का ओह ओरली नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई नीड कैलकुलेटर फॉर द सेम। तो जब मुझे पता है कि ये नंबर इजीली स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, मतलब एक्स वाई वाला फॉर्मूला गया। अब एक बार एक्स बार वाई बार निकाल के ट्राई करते हैं। चलिए तो अगर मैं गुजराती के सारे मार्क्स को प्लस करूंगा देन द टोटल वुड बी 414, और स्टैट्स के सारे मार्क्स को प्लस करूंगा टोटल वुड बी 540। चलिए चालू करते हैं। x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा
एक्स अपॉन एन, जहां पे गुजराती हो गया एक्स, स्टेटिस्टिक्स हो गया वाई. ओके, देयरफॉर सिग्मा एक्स मतलब 414 डिवाइड बाय एन, 1 2 3 4 5 6. ओके, सो 6 नीचे आ गया. सॉल्व करने पे मेरा आंसर एग्जैक्टली आने वाला, चेक करोगे एग्जैक्ट आंसर आएंगे तो ही आपको ये करना है. तो मेरा आंसर एग्जैक्टली आने वाला है 6969. आंसर्स क्या आ रहे हैं? 69 पॉइंट में नहीं है, परफेक्ट नंबर है. ओके, अभी तक मेरा x माइनस x बार वाला फॉर्मूला वैलिड है. देखते हैं y का, तो मैं निकालने जा रहा हूं y बार, दैट इज सिग्मा y अपॉन n. सिग्मा y होने वाला है 540 अपॉन n होने वाला है 6. सॉल्व करने पे आंसर आने वाला है 9090. सॉल्व करने पे आंसर आने वाला है 9090. अगेन यस डन. दोनों के आंसर्स पॉइंट में नहीं आ रहे हैं, मतलब x बार और y बार आर परफेक्ट इंटीजर. वी कैन गो विद द फॉर्मूला x माइनस x बार y माइनस y बार. चलिए इस फॉर्मूले को पहले लिखते हैं, फिर समझते हैं हमें कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगी. मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार होल अपॉन रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर एंड रूट ऑफ सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर. ओके, क्या क्या चाहिए आइडेंटिफाई करो फॉर्मूले से. सबसे पहले मुझे चाहिए x माइनस x बार का स्क्वायर और y माइनस y बार का स्क्वायर, ये दो कॉलम चाहिएंगे. ओके, चलिए बनाते हैं कॉलम. तो पहले मुझे बनाना पड़ेगा x माइनस x बार, तभी मैं बना पाऊंगा उसका स्क्वायर. तो दूसरा मैं बना दूंगा x माइनस x बार का स्क्वायर, सीधा इस कॉलम का स्क्वायर हो जाएगा. सेकंड मैं बनाने वाला हूं y माइनस y बार, और नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा y माइनस y बार का स्क्वायर. मतलब फॉर्मूले के नीचे वाली चीजें मेरे पास सब आ जाएगी. ऊपर क्या चाहिए? ऊपर चाहिए x माइनस x बार y माइनस y बार को मल्टीप्लाई करके सिग्मा करना है. मतलब हमें एक नया कॉलम चाहिएगा, दैट इज x माइनस x बार और y माइनस y बार को मुझे मल्टीप्लाई करना है और उसका सिग्मा मुझे निकालना है. तो इस तरह से मुझे टोटल कॉलम चाहिएंगे 5. वी नीड 5 एडिशनल कॉलम्स. x माइनस x बार y माइनस y बार निकालो, एक बार उसका स्क्वायर करो दोनों का, और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर दो. आपके फॉर्मूले के इंग्रेडिएंट्स मसाले मिल गए आपको, आप खाली पकाना है. राइट, चालू करेंगे. मैं सॉल्व करता हूं. हमने लिया था, हमारा x बार था 69, हमारा y बार था 90. तो पूरे x के कॉलम में से x बार माइनस करो, मतलब 65 में से 69 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है -4. अगेन 72 माइनस 69 दैट इज 3. सर माइनस के सिंबल्स पे ध्यान देना, जहां माइनस लगना चाहिए लगाना, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. राइट, 66 माइनस 69 अगेन -2 आंसर आएगा, प्लीज ध्यान देना. सॉरी -3 आंसर आएगा, प्लीज ध्यान देना, प्लस माइनस के सिंबल्स में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. देन द आंसर वुड बी 1 देन 3 एंड देन 0. इसकी टोटल करने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमेशा x माइनस x बार का सिग्मा 0 ही होता है, 0 ही होता है. 1 मार्क में पूछ सकते हैं, लिख लेना मेरी तरफ से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, दैट सिग्मा ऑफ x माइनस x बार वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0. कोई भी सम उठा लो, सब में यही होने वाला है. इसलिए इन दोनों के टोटल करने की जरूरत नहीं है, ये 0 ही होंगे, 0 ही होंगे. हाँ ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए करना हो, एग्जाम में इतना फालतू टाइम हो तो कर लेना, मुझे मना ही नहीं है. आगे बढ़ेंगे, y माइनस y बार, जहां पे मेरा y बार था 90. चलिए मैं y माइनस y बार को माइनस करने वाला हूं. सो 90 में से 90 गया, पहले मैं 0 देन 5 देन -2 देन 2 देन -5 एंड देन अगेन 0. आप टोटल करोगे आंसर 0 ही आएगा, मैं नहीं करने वाला हूं. ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 5 3 इज 15, 3 2 इज 6, माइनस माइनस साइन चले गए, 2 1s are 2 and 3 5s are 15, सिंबल माइनस का रहने वाला है. इधर आ जाएगा 0, टोटल करने पे आएगा 8. x माइनस x बार का स्क्वायर करके देखते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अगेन 9, 1, 9 and 0, टोटल वुड बी 44. टोटल वुड बी 44, ध्यान देते रहना टोटल्स पे साथ साथ में, आप लोग करो आराम से अपनी मेहनत. नेक्स्ट वन, y माइनस y बार का स्क्वायर, तो 0, 25, 4, 4, 25 and 0, टोटल वुड बी 58. चलिए मेरा पूरा सामान रेडी, अब तो खाली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने, आंसर्स निकालने हैं. बहुत इजी है हमारे लिए. ऊपर आ जाएगा सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार का सिग्मा, दैट इज 8. नीचे आ जाएगा रूट ऑफ 44 एंड रूट ऑफ 58. अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर्स मिलने वाले हैं 0.1584 समथिंग समथिंग समथिंग. इसको आप राउंड ऑफ करके 0.16 बोल सकते हो. दिस इज द फर्स्ट बेसिक सम. और आपको भले ही कितना इजी क्यों नहीं लग रहा हो, ये एग्जाम में 5 मार्क कैरी करने वाला है, हंसते खेलते आने चाहिए. इसमें खाली आप एक ही गलती कर सकते हो और वो गलती होने वाली है कैलकुलेशन की, उसके सिवाय आपकी कोई भी गलती होना पॉसिबल नहीं है, किसी भी रीजन से नहीं है. बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला था. राइट, जिसको नहीं आया रिवाइंड अगेन रिवाइज, रिवाइंड अगेन रिवाइज करते रहना, जब तक समझ में नहीं आया समझते रहना. राइट, और फिर भी कुछ इश्यूज है
कमेंट में लिखो, मैं हूं यहां पे, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला सेकंड वाले के लिए करते हैं, दैट इज एक्स वाई वाला। बड़ा ही सिंपल से दिख ही रहा है यहाँ पे, सब नंबर छोटे छोटे है, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, इजीली आई कैन प्रेडिक्ट दैट, राइट। तो जब सब नंबर छोटे छोटे हो, आपको फॉर्मूला लगाने का है एक्स वाई वाला। चलिए चालू करेंगे सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18, राइट, 8 10 80, 15 12 180, 50 7 9 63, 8 5 40, टोटल करूंगा इनको तो आ जाएगा 431। यहाँ पे आपको x और y का भी टोटल करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए, राइट। सो x का टोटल होता है 40 और y का टोटल होता है 58। स्क्वायर करते हैं, x का स्क्वायर 9, देन 64, देन 144, 25, 17, सॉरी 49 एंड 25, टोटल करेंगे तो आएगा 316। y का करता हूं 6 का स्क्वायर 36, 100, 225, 181 and 64, टोटल वुड बी 606। ठीक है, चलिए फॉर्मूला डालूंगा, मेरा तो रटा हुआ है, R is equal to, yes, n sigma xy, कोई बड़ी बात नहीं, आपको भी हो जाएगा, प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस, राइट। n सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट ऑफ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और रूट ऑफ n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। टेंशन मत लेना, कोई बड़ा मैजिकल फॉर्मूला नहीं, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे याद होना वाजिब है, आपको भी हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। सो अ वेरी सिंपल वन, हमने फॉर्मूला पुट ऑन किया, वैल्यूज डालते हैं, एन कितना है, तो एन है 1 2 3 4 5 6, ओके फाइन। सो इधर आ जाएगा 6, सिग्मा एक्स वाई है मेरे पास 431 माइनस सिग्मा एक्स है 40, सिग्मा वाई है 58, रूट नीचे आ जाएगा वापस से 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 316 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर, नीचे वापस से आ जाएगा एन 6, सिग्मा वाई स्क्वायर है 606 एंड सिग्मा वाई का होल स्क्वायर आने वाला है 58 का स्क्वायर, राइट। अब प्लीज सॉल्व करने की मेरे से उम्मीद मत रखना, तुम ज्यादा उम्मीदें रख रहे हो, इतना भी नहीं, इसको आराम से सॉल्व करोगे, आपका आंसर फाइनल आंसर आने वाला है 0.94 समथिंग समथिंग आ सकता है, राइट, 93 पॉइंट समथिंग और 94 आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये फॉर्मूला बहुत इजी है यार, और ये फॉर्मूला अगर एग्जाम में आ जाए ना, फ्री के मार्क्स है, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे छोटे, खाली 3 कॉलम बनाने, बाकी सब में 5-6 कॉलम बनाने पड़ते हैं, ओनली 3 कॉलम्स, क्विक क्विक एकदम क्विक होता है ये। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, कब यूज करने का है, जब x एंड y आर स्मॉल नंबर्स व्हिच कैन बी स्क्वायर्ड वेरी 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 इजीली, देन दिस फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड। चलिए कुछ पूछना हो तो किसी दिन रखूंगा आप लोगों के लाइव सेशन भी जरूर, राइट, खाली देखते जाइए, जो जो अच्छा लगते रहे मुझे बताओ, मुझे मेरे साथ शेयर करते रहो कमेंट्स में वगैरह वगैरह, यू नो मेनी मेनी वेज ऑफ डूइंग दैट स्टफ, राइट। तीसरे मेथड पे आएंगे, ये सबसे अच्छा मेथड है और 70% टाइम एग्जाम में ये मेथड पूछते हैं, क्योंकि ये मेथड में टीचर बच्चों को थोड़ा अच्छे से परेशान कर पाती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमने एक बच्चे को बड़ा अच्छे से परेशान किया, राइट। सो दिस मेथड इज मोस्ट प्रोबेबल टू कम, राइट। चलिए अब यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि सर पहली बार तो ये चीजों को हम इजीली स्क्वायर नहीं कर पा रहे, 155 का स्क्वायर करना नॉट इजी, 53 का स्क्वायर करना नॉट इजी, तो इसको स्क्वायर करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा आप इसका एक्स बार वाई बार भी निकाल के देखोगे तो आपके आंसर्स पॉइंट में आएंगे, मुझे पता है, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए तो हमें पता चल गया तो हम सीधा इसके लिए तीसरा मेथड यूज करेंगे। तीसरा मेथड क्या कहता है कि आप निकालो भैया यू और आप निकालो वी। Now what is this u? This u means हम x में से कोई भी एक assumed number minus कर देते हैं और हम y में से कोई भी एक assumed number minus कर देते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। कुछ school कहते हैं कि वो इसके अंदर x के अंदर का होना चाहिए, not necessary, कोई भी जरूरत नहीं, आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ भी लो, आंसर 100% सही आएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो अज्यूम्ड नंबर ले रहे हो वो x के अंदर का हो, आप बाहर का भी ले सकते हो। मैंने इस केस में अज्यूम कर लिया सपोज 158, और सेकेंड केस जो y वाला केस है उसमें सपोज, ये कंफ्यूज मत होना, इस राइटिंग मेरी जीनियस है, ये v है वो u है, राइट, और y के केस में मैंने अज्यूम कर लिया है 57। आप देखोगे 57 पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं, मैंने बाहर का नंबर अज्यूम किया, चलेगा, डजंट मैटर्स, आपको जो अच्छा लगे करो, ओके एंड फाइन। अब आप चाहो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो c से, बट वो डिविजन कब होगा, जब सारे के सारे नंबर किसी एक कॉमन टेबल में जा रहे हो। आई डोंट फील कि इनमें से कोई भी नंबर एक कॉमन टेबल में जा रहे हैं, इसलिए हमने डिवाइड बाय सी को इग्नोर किया है, खाली हम माइनस कर रहे हैं, राइट। चलिए तो यू बनाने के लिए आपको एक्स में से ए माइनस करना है, ए है हमारा 158, माइनस करते रहेंगे तो पहला आ जाएगा -3, देन दूसरा आ जाएगा 7,
then 0, then 4, after that minus 5, and after that 2. माइनस प्लस के सिंबल पे ध्यान देना, माइनस प्लस के सिंबल में गलतियां नहीं होनी चाहिए, प्लीज फोकस करते रहना, राइट। वी देखेंगे, वी में हमें माइनस करना है 57, दैट वुड बी माइनस 4, देन 6, देन माइनस 1, 3, माइनस 5 एंड 3, ठीक है। सिग्मा यू सिग्मा वी हमें फॉर्मूले में चाहिए, इसलिए आपको उसका सिग्मा भी करना है, और इसका सिग्मा एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस एक्स बार नहीं है, जीरो मत लिख देना गलती से, इट इज एन अज्यूम्ड नंबर नॉट एक्स बार, राइट। और अगर बाई चांस जीरो आ जाए तो समझ लेना a ही आपके x बार, अगर बाय चांस x माइनस a को टोटल करने पे आपका u जीरो आ जाए तो समझ जाना दैट योर a इज योर x बार, ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर बाय चांस इसका टोटल जीरो आ जाए तो तुमने तुक्के में भी a को x बार ले सकते हो, तुम्हारा आंसर परफेक्ट सही जाएगा, राइट। सो मेरा u का टोटल आने वाला है 5, मेरा v का टोटल आने वाला है 2। अब मुझे तीन कॉलम बनाने हैं, पहला मैं बनाऊंगा u स्क्वायर, दूसरा v स्क्वायर एंड तीसरा uv, तीन कॉलम बनाने वाला हूं, u स्क्वायर, v स्क्वायर, uv। स्टार्ट करेंगे, u स्क्वायर हो जाता है, u का स्क्वायर करना है, दैट वुड बी 9, 49, 0, 16, 25 एंड 4, टोटल वुड बी 97, v स्क्वायर, दैट वुड बी 16, 36, 1, 9, 25 एंड 9, माइनस साइन नहीं आते कभी भी स्क्वायर में, ध्यान रखना, राइट। सो टोटल हो जाएगा इसका 103, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, माइनस माइनस गया 6, 6 जा 36, 6, 7 जा 42, इधर आ जाएगा 0, नेक्स्ट 12, देन 25 एंड देन 6, टोटल आपका आने वाला है 96, खत्म। इतना हो गया परफेक्टली तो आपका गलत होने का चांस ही नहीं। मैं फॉर्मूला लिखूंगा आपके लिए, R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी होल अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, राइट। चलिए खाली वैल्यूज पुट करनी है आपको, n कितना पहले गिन लेते हैं, मैंने गिने नहीं है, 1 2 3 4 5 6 अगेन 6, सो इधर आ जाएगा n 6, सिग्मा uv कितना है हमारे पास, सिग्मा uv है 96 माइनस सिग्मा u इज 5, सिग्मा v इज 2, रूट n वापस से 6, सिग्मा u स्क्वायर आ गया 97 माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर, रूट n आ गया 6, सिग्मा v स्क्वायर आ जाएगा 103 माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन में खाली वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको नेट फाइनल आंसर मिलेगा, कैलकुलेशन गलती नहीं हुई तो आपका नेट आंसर आएगा 0.98 समथिंग, राइट। आपका नेट फाइनल आंसर आएगा 0.98 एंड आई एम स्टिल सेइंग यू ये फॉर्मूला आने के चांसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा है, राइट। यू निकालना वी निकालना मेहनत वाला काम है, अभी तो डिवाइड बाय सी नहीं आया, वो आएगा तो थोड़ा मेहनत और बढ़ जाएगा, सो देयर आर चांसेस दैट ये फॉर्मूला एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आ सकता है। आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी, आई डोंट प्रेडिक्ट थिंग्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज वेरी 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 मच, याद रहेगा सबको भाई लोग। सो दिस वॉज द लास्ट फॉर्मूला एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, नहीं समझ में आ रहा है, डाउट्स है, इश्यूज है, आराम से मेरे साथ शेयर करते रहो आप लोग, राइट, कमेंट्स में लिखते रहो, अपना प्यार बांटते रहो, आपको अच्छा लगे या आपको और कुछ सीखना हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप मेरे को बताते रहो, राइट इनफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लव्ड इट, बाय बाय फॉर द डे, नेक्स्ट वीडियो वापस से मिस मत करना, राइट, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट आने वाला है एंड दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, सो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो भी देखना है आपको, राइट। ये वीडियो के बाद में थर्ड वीडियो बिल्कुल भी गलती से भी मिस मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाय बाय फॉर द डे।